हेलो फ्रेंड्स, एसटी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं टू कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, देखिए कितना सुंदर बना है। इसको आप प्रयोग आप बॉर्डर बनाने में भी कर सकते हैं और स्वेटर बनाने में भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी ये कैसे बनाया गया है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। इसमें टू टू रो का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें दो दो सिलाइयाँ डाली गई हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं इसी के ऊपर आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टू कलर में बनाया गया है। एक ही धागे का इसमें प्रयोग होता है, दोनों धागे एक साथ नहीं चलते हैं। एक फंदा पहले हम स्लिप करेंगे और फिर देखिए फाइव फंदे वाइट कलर के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फाइव फंदे वाइट कलर के बनाए, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से ऐसे ही फाइव फंदे वाइट कलर में बनाएंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। धागा आप उल्टी साइड से जोड़ें, सीधी साइड से धागा ना जोड़ें। फाइव फंदे, फिर एक फंदा, पूरी रो हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। ये देखिए फाइव फंदे, फिर 1 2 3 4 5 और ये साइड का। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। इस फंदे को हम इसी प्रकार से रखेंगे। अब आगे देखिए सीधी साइड। अब यहाँ पर हम टू फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बुनेंगे, ये वाला। इस प्रकार सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। ये जो ब्लैक वाला फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया और 1 फंदा सीधा बुना। जो फंदे हमने 5 लिए हैं उनके बीच वाला फंदा जो है सीधी साइड से हमें सीधा बुनना है। ऐसे ये सीधा बुना जाएगा, धागा अपनी तरफ करके ये फंदे उल्टे बुने जाएंगे। फिर धागा पीछे करें, ये फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा, फिर आगे करके ये देखिए पीछे, फिर ये सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये किया। इस प्रकार से हमारी सेकेंड रो आएगी। अब देखिए दूसरा कलर, दूसरा कलर अब हम ब्लैक लगाएंगे। तो ब्लैक कलर के लिए यहां पर हमें पहले 3 फंदे बुनने हैं और ये बीच का जो सीधा फंदा है इसको स्लिप करना है। यहाँ पर पहले हमने 5 फंदे क्रीम कलर के बनाए थे, तो अब बीच वाले फंदे को हम सीधा स्लिप करेंगे। और अब आगे देखिए 5 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे ऐसे, फिर ये फंदा स्लिप करेंगे, 3 4 5
फाइव फंदे ब्लैक बनाए, फिर एक फंदा स्लिप किया, ये फाइव फंदे, फिर ब्लैक बनाए, फिर ये फंदा स्लिप किया। स्टार्ट में ही हमें थ्री फंदे बुनने हैं, फिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलाए थे, सिर्फ एक फंदे चेंज करेंगे जो बीच का है, ये फाइव फंदे, फिर एक फंदा, इधर भी हमारे थ्री फंदे आ गए। ये देखिए थ्री फंदे इधर आए हैं ब्लैक, और थ्री फंदे हमारे इधर आए, दोनों साइड में थ्री फंदे दूसरे कलर से आए हैं। अब ऐसे ही ये देखिए धागा आगे करके टू फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करके इस फंदे को स्लिप कर लें, धागा आगे किया, टू फंदे उल्टे बुने, ये बीच वाला फंदा जो है इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर उल्टे धागा पीछे, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। ये देखिए दो फंदे ब्लैक बनाए, इस बीच सेंटर वाले फंदे को सीधा बुने, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, ये स्लिप किया, ये फोर रो बार बार रिपीट करनी है और इसी प्रकार से बुननी है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा, आप इसका प्रयोग बॉर्डर में भी कीजिए या स्वेटर बनाने में कीजिए, बची हुई ऊन से भी आप ये स्वेटर बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।